नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन हर कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखता। भारत के राजनीतिक इतिहास में शहरों के नाम बदलने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा खुश होते थे तब नाम बदल दिया करते थे। उत्तर प्रदेश के हालिया इतिहास को देखें तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में भी कई जगहों के नाम बदल दिए थे। यूपी में नाम बदलने को लेकर मांग उठती रहती है। अब विश्व हिंदू परिषद ने मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग उठाई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से विश्व हिंदू परिषद ने मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग उठाई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर राज कमल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार को लेटर लिखा है। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व हिंदू परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ प्रांत के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने बताया कि मुरादाबाद का नाम सन 1614 में मुगल शासक शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर रखा गया था। पहले मुरादाबाद का नाम रुस्तम नगर हुआ करता था। मुगल शासकों ने देश पर आक्रमण कर कितने हिंदुओं का नरसंहार किया, कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन्हें मुगल शासकों ने भारत में लूट खसोट मचाई, उसके बावजूद भी उन मुगल शासकों के नाम पर रोड और शहरों के नाम है। इनके नाम का गुणगान क्यों करें? हमारी सरकार को चाहिए कि जिन शहीदों ने देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी उनके नाम पर शहरों के नाम रखा जाए। मुरादाबाद दुनिया भर में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। हम मांग करते हैं कि मुरादाबाद का नाम पीताम्बरपुर रखा जाए। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्रालय को और देश के प्रधानमंत्री को लेटर भेज रहे हैं। वही डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने कहा कि देश के ऊपर कई लोगों ने शासन करा है और लास्ट में मौला आए हैं। 30 साल बाद आज भी इस देश की सड़कों के और देश की राजधानी की सड़कों के नाम औरंगजेब मार्ग, शाहजहां मार्ग क्यों इन नामों को बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग नहीं किया जाता? क्यों नहीं महाराणा प्रताप या शिवाजी मार्ग किया जाता? क्यों ये कलंक हम अपने सर पर रखकर चल रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे कलंक के जो नाम है उन्हें बदला जाए। उन्होंने कहा कि ये गुलामी की जंजीरें कब तक हिंदू समाज अपने सर पर रखकर ढोता रहेगा। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है कि जितने भी इस तरीके के नाम है उन्हें तत्काल बदल दिया जाए और ऐसे लोगों के नाम पर जगहों के नाम रखे जाने चाहिए जिन्होंने इस देश की लड़ाई के अंदर अपना खून बहाया। ऐसे में हमारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि मुरादाबाद शहर का नाम पीताम्बरपुर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है नाम बदला जाए। इसको लेकर हम मुरादाबाद के सांसद और विधायक सबसे संपर्क करेंगे। मुरादाबाद शहर का नाम पीताम्बरपुर कराया जाए, इसको लेकर पत्र भी लिखा गया है जो उत्तर प्रदेश के सरकार के नाम, मुख्यमंत्री के नाम और इसको भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो आयोग इससे संबंधित उसको भेजा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने मुरादाबाद का नाम पीताम्बरपुर करने की मांग की है। वीएचपी के प्रांत मंत्री का कहना है कि जिन मार्गों के नाम मुगल शासकों के नाम पर है उन्हें भी बदला जाए। वीएचपी ने यूपी सरकार, केंद्र सरकार को इस संबंध में लेटर भेजा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।